हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन बाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 500 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज कर रहे हैं। यह आपके सीटेट, यूपीटेट एवं अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। अगर आप इस चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। सीखना से क्या तात्पर्य होता है? पहला है आपका मनोवृत्ति में परिवर्तन से, दूसरा ऑप्शन है व्यवहार में परिवर्तन से, तीसरा ऑप्शन है आपका व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, फोर्थ है आपका अनुभूति में परिवर्तन। तो आपका सही उत्तर होगा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें डैश का बीज बोता है। तो ऑप्शन है आपके सामने वातावरण, सामाजिकरण, भौतिक संरचना या प्रेरणा। तो जो विद्यालय होता है वह आपके सामाजिकरण का बीज बोता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने वाले का स्व नियमन निर्भर करता है उसके द्वारा निर्मित नियमों पर, व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करने पर, अपने व्यवहार का नियंत्रण करने पर, या फोर्थ ऑप्शन आपके सामने स्वयं सीखे गए ज्ञान को ज्ञान का अन्वीक्षण करने पर। तो ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर होगा, जो स्वयं सीखे गए ज्ञान का अन्वीक्षण करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने के अंतर्गत इसके फोल्डिंग दर्शाता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने अध्यापक द्वारा सिखाने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों का, सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए स्थायी सहयोग को, पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति को, फोर्थ ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को। तो आपका ऑप्शन बी इसमें सही होगा, सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए स्थायी सहयोग को। इसके फोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो आपके वायगोत्स की द्वारा दिया गया है और इनके द्वारा एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का भी अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है हमें कि प्रश्न में नहीं शब्द दिया गया है, समावेशी कक्षा में जो कक्षा होती है उसकी विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीय व्यवहार का प्रयोग, यह तो विशेषता है। नेक्स्ट आपका ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी। नेक्स्ट आपका अलग अलग विषयों हेतु अलग अलग सहायक सामग्रियों का प्रयोग। नेक्स्ट है आपका वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था। तो देखिए इसमें आपको तीनों पॉइंट्स आपको अलग नजर आ रहे हैं कि जो समावेशी कक्षा की विशेषता होती है, आपके अलग अलग विषय होती है, अलग अलग सहायक सामग्री का प्रयोग और वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था। एक पॉइंट बचता है आपका ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी। तो आपका यह पॉइंट समावेशी शिक्षा से संबंधित यानी इसकी विशेषता को नहीं बतलाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जा सकता है कहलाती है। पहला ऑप्शन है आपके सामने समवर्ती वैधता, दूसरा ऑप्शन है भविष्यवाची वैधता, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने रचनात्मक वैधता और फोर्थ है आपकी अभिसारी वैधता। तो वह परीक्षण जिसके द्वारा शिक्षार्थियों सैद्धांतिक गुणों को मापा जा सकता है उसे हम अभिसारी वैधता कहते हैं, ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन प्याजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञान विकास की सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है? पहली ऑप्शन है आपका संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो जो आपका बच्चा होता है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है उसमें आपका बच्चा जो संज्ञा विकास की अवस्था होती है उसमें वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब व्यवहार की ये सभी संगठित क्रम कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने मानसिक प्रक्रिया,
संक्रिया विकेंद्रण स्कीम्स या स्कीमा। तो आपका ऑप्शन सी इसमें सही होगा, स्कीम्स। अगर कोई बच्चा रोज की तरह स्कूल ड्रेस आज जूता पहनता है, किताबें लेता है, तो यह सब सभी संगठित क्रम में आपके स्कीम्स कहलाती हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा ऑप्शन है, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। थर्ड ऑप्शन है आपके सामने, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने, अच्छी शिक्षा के व्यावहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो आपको सृजनात्मकता का पोषण करता है, तो आपका इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 9 का ए या पहला जो आपका ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि इसमें विचारों और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो, यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। नेक्स्ट, यह बदलते वातावरण में किसी के अनुकूलन को बढ़ाए, यह शब्दों के उच्चारण और उन्हें वाक्यों के उपयोग करने के लिए एक नियमावली प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, इसमें विचारों और धारणाओं की संचार की गुंजाइश हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकृत करता है, आप उसके चिंतन को किस वर्ग में रखेंगे? पहला ऑप्शन है आपके सामने, नगण्य चिंतन। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, बहुआयामी चिंतन। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने, जटिल चिंतन। और फोर्थ है, संकल्पनात्मक वर्गीय चिंतन। तो आपका जो शिक्षार्थी बिल्कुल सही और गलत के रूप में वर्गीकृत कर सकता है वह आपका होता है नगण्य चिंतन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षण में बहुत सारे लोगों के प्रश्नों वाले प्रश्नों का जवाब देने को कहा गया। प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षणों की विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। अर्धविवाहित, समतुल्यता प्रकार, जांच पुनः जांच पद्धति। फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने, वैकल्पिक प्रकार। तो इसमें आपका ऑप्शन ए अर्धविभाजित सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक शिक्षार्थी से पूछता है कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है। तो शिक्षक द्वारा पूछा गया यह प्रश्न है नियंत्रित, आलोचनात्मक, छलात्मक या अप्रासंगिक। तो आपका आंसर होगा, यानी एक शिक्षक शिक्षार्थी से यह पूछता है कि वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है या नहीं, तो यह आपका नियंत्रित प्रकार का प्रश्न होगा। तड़िंद का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा, यानी इसमें अनुचित कथन पर हमें ध्यान देना है। फर्स्ट है आपका, पाठ्य पुस्तकों की सहायता से निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड है आपका, पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है। आपके अब तक के दोनों पॉइंट उचित हैं। नेक्स्ट है आपका, पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण व्यवहारिक होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। नेक्स्ट है आपका, अधिकांशतः यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग केवल विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो आपका ऑप्शन सी यानी तीसरा जो ऑप्शन है वह आपका इसमें अनुचित है। बाकी तीनों प्रश्न के ऑप्शन आपके फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ उचित हैं। तो आपका आंसर होगा 3, पाठ्य पुस्तकों में से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? पहला है आपका प्रभावी विधिक प्रावधान, दूसरा है तीव्र आर्थिक विकास, तीसरा है आपका सार्वभौमिक शिक्षा, फोर्थ है आपका वांछित सामाजिक परिवर्तन। तो आपका ऑप्शन सी इसमें सार्वभौमिक शिक्षा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16। सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कि इन सिद्धांतों को अपनाएं कि यह कुछ अधिक बौद्धिक क्रियाओं के लिए तथा कुछ सामाजिक क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने कि कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों के अधिगम की उचित व्यवस्था की जाए। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सामाजिक परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। तो जो एक सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से उत्तम शिक्षा योजना है कि कक्षा के सभी शिक्षार्थियों के को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। 16 का ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है। देखते हैं अगले प्रश्न को। स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? ऑप्शन पहला है आपका इस व्यवस्था में शिक्षार्थी अधिक अनुशासित रह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है आपका दूसरी परीक्षा केंद्रों पर शिक्षार्थी हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इससे शिक्षार्थियों की नकल की सुविधा हो जाती है। तो आपका इसमें क्या विचार है? जो स्व केंद्र जो सेल्फ सेंटर होते हैं परीक्षा के अंतर्गत उसके विषय में आपका क्या विचार है? तो इससे आपका ऑप्शन दूसरा इसमें सही है कि इससे शिक्षार्थियों की को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट झेलना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों में अपेक्षित आवृत्तियों का विकास, नेक्स्ट है शिक्षार्थियों द्वारा अपनी दुर्बलताओं का उचित मूल्यांकन, फोर्थ आपका शिक्षार्थियों में स्वस्थ आदतों का विकास। तो कक्षा में प्रजातांत्रिक व्यवहार पर्यावरण की प्रमुख भूमिका आपके शिक्षार्थियों में के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक सार्वजनिक क्षमता जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है, बुद्धि, मानसिक मंदता, अनुशासन या निर्देशन। तो आपकी बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। ऑप्शन ए यानी फर्स्ट इसका सही होगा, बुद्धि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है, फर्स्ट ऑप्शन है स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, नेक्स्ट है अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, ऐच्छिक स्वरूप वाले उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, और लास्ट ऑप्शन है इन सभी द्वारा उत्पन्न होती है। तो जो स्किनर के साथ सीखने वाली जो प्रतिवादी अनुक्रिया होती है वह आपकी स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि छात्र शिक्षक को ठीक प्रकार समझ सकते हैं, शिक्षक की प्रतिष्ठा बनी रहती है, तीसरा ऑप्शन है छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, फोर्थ है आपका शिक्षक के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचती। तो शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि यह छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती हैं तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती हैं, यह कथन है।
यानी आपका यह प्रतिभावान लड़कियों के ऊपर कहा गया कथन है, जिसमें वो कहते हैं एक विद्वान, आपको इसमें से बताना है कौन से विद्वान है, कि जो प्रतिभावान लड़की होती है वो घर पर बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील एवं झगड़ालु होती है। तो ट्रोका है, स्किनर का है, हीली का है, या आपका वुडवर्थ का है। तो यह आपका कथन ट्रू द्वारा कहा गया है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा कि जो लड़की होती है वो घर पर बैठना कम पसंद करती है तथा यह क्रियाशील एवं झगड़ालू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने कहा कि विकास परिवर्तन की श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर पूर्णावस्था तक गुजरता है विकास कहलाता है। यानी हमने आपके वीडियो सेशन जिसके विकास और अभिवृद्धि वाला जो चैप्टर था उसके अंतर्गत हमने कराया है। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को एक बार देख लें, जिससे कि आपका विकास एवं अभिवृद्धि से संबंधित आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। तो यह आपका किसने कहा है, पहला ऑप्शन है आपका हरलॉक ने, दूसरा ऑप्शन है आपका जेम्स ट्रेवर ने, तीसरा ऑप्शन है आपका मुंडरो ने, या इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका कथन है वह मुंडरो द्वारा कहा गया है कि जो विकास की परिवर्तन की श्रृंखला वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से पूर्णावस्था तक गुजरता है वह विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है। पहला ऑप्शन है बाधित और अक्षम बालकों के शिक्षण हेतु, सामान्य बुद्धि लब्धि के बालकों के शिक्षण हेतु, अधिगम असमर्थ बालकों के शिक्षण हेतु, इन सभी के शिक्षण हेतु। यानी आपकी जो समावेशी शिक्षा होती है उनको इस प्रकार के जो आपके सभी प्रकार के जो अक्षम बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा व्यवस्था को उनके हिसाब से डाला जा सके, तो उसके लिए उसको अनुकूलित बनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन होगा फोर्थ, इन सभी के शिक्षण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब शिक्षार्थी अपने विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फल स्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है तब उसके दावे की जांच की जाती है उपलब्धि परीक्षण द्वारा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा, नेक्स्ट है आपका निबंधात्मक प्रश्नों द्वारा, या फोर्थ ऑप्शन है आपका खुली किताब परीक्षण द्वारा या परीक्षा द्वारा। यानी जब आपका शिक्षार्थी है उसने विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप उसके ज्ञान का अर्जित करने का दावा कर रहा है तो हम उसको किसके द्वारा मापेंगे, तो वह आपका होता है उपलब्धि परीक्षण, जिसे हम अचीवमेंट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपका, खेल का एक लाभ यह भी है कि वे बालकों को विद्यालय के खाली घंटे में अनुशासित करती हैं। नेक्स्ट है आपका, बालकों को घर से बाहर रखते हैं, अवकाश काल के उत्तम उपयोग को प्रोन्नत करते हैं। नेक्स्ट है आपका, विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। तो आपका जो खेल का लाभ होता है कि जो बच्चे होते हैं वह अवकाश के काल के उत्तम उपयोग को प्रोन्नत या प्रोत्साहित होते हैं। ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है। यानी इनमें से कौन सा विकल्प आपका ऐसा है जो बाल केंद्रित शिक्षा का उपागम या नहीं है। पहला है बच्चे की सक्रिय भागीदारी, दूसरा है प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, नेक्स्ट है आपका प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार है, और फोर्थ है प्रत्येक बालक अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। तो आपने इसमें की विशेषता नहीं है, तो आपका बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ा सम्मिलित नहीं है। बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, यह आपका चॉम्स्की द्वारा कहा गया है या नहीं। दूसरा, शुरू में भाषा विचार दो भिन्न गतिविधियों होती हैं, यह आपका कहा गया है वाइगोत्स्की द्वारा। नेक्स्ट है आपका, भाषा विचार पर आधारित है, पियाजी ने कहा है, यह सही है। और भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, यह बी एफ स्किनर द्वारा कहा गया, यह भी आपका विचार सही है। अब तो इसमें आपका ऑप्शन ए गलत है, जो आपका बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं वो आपका चॉम्स्की द्वारा कहा गया है, यह विकल्प इसका गलत है। इसी में यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जोड़ा आपका
गलत है। तो आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है कि बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, वह चॉम्स्की द्वारा कहा गया है, यह गलत है। अंतिम प्रश्न 30, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका सुस्त शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। नेक्स्ट आपका सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। फोर्थ ऑप्शन है आपका सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही है क्योंकि जो शारीरिक विकास होता है वो विकास के जितने भी पक्ष होते हैं, चाहे उसमें आपका मानसिक हो, सामाजिक हो या संवेगात्मक हो, इससे ये सभी से संबंधित होता है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर है। Take care of my heart.